हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि आपके वेट लॉस करने के गोल के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे कि आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो वेलकम बैक अगेन गाइस हमारे अपने एम ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो चार एक्सरसाइज जो कि आपको नहीं करना चाहिए फैट लॉस करते टाइम, क्योंकि इन एक्सरसाइज से फैट लॉस नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं अपने टॉपिक पे। आपको पूरी तरह फिट रहने के लिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। रनिंग, योगा जैसी किसी भी एक्सरसाइज से आपको अपने गोल तक पहुंचने में बहुत आसानी मिलेगी। बट जब बात वेट लॉस या फैट लॉस पे आती है तो आपको अपने एक्सरसाइज के बारे में ठीक से सोचना चाहिए। हम लोग सभी जानते हैं कि वेट लॉस करने के लिए हम लोग को कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। हम जितने ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे उतना ही हमारा वेट कम होगा, और ये सिर्फ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से किया जा सकता है। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपके बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपने लिमिटेशन को बढ़ाना पड़ता है। अब बात करते हैं वो चार एक्सरसाइज जो कि आपको नहीं करना चाहिए फैट लॉस करते वक्त। फर्स्ट है योगा। हाँ दोस्तों, योगा आपको फैट लॉस करते टाइम नहीं करना चाहिए। योग के बहुत सारे फायदे हैं। हर दिन योग करने से आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, और आपको इससे अपना दिमाग शांत रखने में और खुद को आराम देने के लिए हेल्प हो सकती है। और भी योग के बहुत सारे फायदे हैं, इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। योग हमारे देश में आज से नहीं बहुत सालों पहले से किया जा रहा है, मगर क्या आप इससे फैट लॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं यार। योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मगर आप इस बात को भी जान ले कि ये आपको वेट लॉस या फैट लॉस करने में कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक बहुत कम इफेक्ट करने वाली बॉडी एक्टिविटी है। योगा में आपको हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए कुछ सेकंड तक आपको कुछ मुद्राओं को करना पड़ता है, बट आप योग से फैट लॉस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरीज बर्न होती है, जो कि आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न करेंगे उतना ही आपका वेट कम होगा। योगा में कैलोरीज बर्न होता है, बट उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए वेट लॉस करने के लिए। योगा से भी फैट लॉस होगा, बट जल्दी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको उतनी जल्दी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेगी जितना कि आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने पे मिलेगी। अब बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड है इंडोर साइकिलिंग। इंडोर साइकिलिंग उतना इफेक्टिव नहीं है, इससे अच्छा तो आप साइकिलिंग कर लो बाहर या वॉक कर लो। इंडोर साइकिलिंग से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फिट है वो थोड़ा कर लेते हैं तो चलता है, बट जो फैट लॉस करना चाहते हैं वो कभी भी इंडोर साइकिलिंग ना करें। इंडोर साइकिलिंग करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है या चोट भी लग सकती है, जैसे कि आपको जॉइंट में पेन हो सकता है, और ऐसा होगा तो आपके फैट लॉस के गोल में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आपको बेड रेस्ट लेना पड़ जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा इसको मत करो फैट लॉस करना है तो। अब बात करते हैं तीसरे नंबर एक्सरसाइज की। तीसरे नंबर में है क्रॉसफिट। क्रॉसफिट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट जो वेट लॉस कर रहे हैं बिगनर्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपने वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज शुरू की है तो क्रॉसफिट आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि क्रॉसफिट एक्सरसाइज करने से आपको चोट लग सकती है। ये वर्कआउट बहुत फास्ट होता है, और आपको इसे अपने वर्कआउट में तभी शामिल करना चाहिए जब आप फिट और एक्टिव हो। अगर आपका बॉडी सही शेप में नहीं है तो प्लीज़ इसे ट्राई मत कीजिएगा। थोड़े फिट हो जाओ फिर करना। अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज की। लास्ट है रनिंग। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्या पागलों वाली बात कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया, सब बोलता है कि रनिंग करने से फैट कम होता है, पर पहले मेरी बात सुन लो यार। देखो, रनिंग एक कार्डियो एक्सरसाइज है जो कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाता है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, आपके हेल्थ को भी अच्छा करता है। लेकिन एक बात याद रखना, जॉगिंग करने से फैट लॉस होता है, बट अगर आप इसे ज़्यादा देर तक करोगे तो इससे मसल्स भी लॉस होगा। बॉडी फैट के साथ मसल्स भी लॉस करना स्टार्ट कर देगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब फैट की जगह सिर्फ मसल्स लॉस होगा, बॉडी एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक मोड में चली जाएगी। इसीलिए रनिंग कीजिए, बट एक लिमिट तक, वो सही रहेगा। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो,
कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक आप अपना डाइट सही नहीं करोगे तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए खास करके आप अपने डाइट पर ध्यान दें और बाहर के जंक फूड्स को अवॉइड करो। वीडियो में बस इतना ही गाइज। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहो हिट रहो।